नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएसपी सांबा बेनाम तोष, एक नाम नहीं बल्कि अपने काम से जाने जाने वाले एसएसपी बेनाम तोष ने एक ऐसा कार्य किया कि अपने ही विभाग के दो कर्मचारियों को, जो लगातार अपने काम को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उन्हें नौकरी से यानी कि रिमूव कर दिया, यानी टर्मिनेट कर दिया है। ये बड़ी खबर जो सांबा से आ रही है। और आप जानते हैं, जब से एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने कार्यभार संभाला है एसएसपी सांबा, लगातार ताबड़तोड़ जो कि हल्ला बोल है, चाहे वो बवान स्मगलर की बात करें, चाहे हम ड्रग्स पेडलर की बात करें, चाहे अन्य क्रिमिनल्स की बात करें, तो लगातार बेनाम तोष के नेतृत्व में पूरी टीम जो बड़ा ही उम्दा काम कर रही है और लगातार ताबड़तोड़ इन पर जो कि वार कर रहे हैं, यानी इन पर शिकंजा कस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात यह भी कि कहीं ना कहीं अपने ही विभाग के लोगों ने अगर अपने काम में कहीं ना कहीं ये कहेंगे ढील बरती या उसे काम को संजीदगी से नहीं लिया, तो उन पर भी कार्रवाई करने से नहीं हटते हैं एसएसपी सांबा बेनाम तोष। बताना चाहेंगे, दो अपने ही पुलिस के विभाग के कर्मचारियों को किया रिमूव, एक यानी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और दूसरा एसपीओ। यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 10 महीने से लगातार एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, अपनी ड्यूटी से एब्सेंस से कई बार उन्हें शो कॉज नोटिस भी दिए गए, उनसे यानी जस्टिफिकेशन भी मांगी गई, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी के चलते साथ ही साथ ये बताएंगे सिलेक्शन ग्रेड जिसकी बात करें, कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस है, उन पर कई सारे धाराओं के तहत केस भी दर्ज है। और उसी के चलते जब एसएसपी बेनाम तोष ने अब ये बड़ा फैसला लिया कि ऐसे लोगों को जिन्हें अपने वर्दी की कदर नहीं, जिन्हें काम की कदर नहीं, जो अपनी ड्यूटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई करना जायज है, ताकि आने वाले समय में दूसरों को भी ये सीख मिले और उनके लिए इंस्पिरेशन बने कि जो पुलिस अधिकारी अपने विभाग के लोगों को कहीं भी यानी ढील बरतने के लिए नहीं बख्शेगा, तो वो दूसरे क्रिमिनल्स पर जो इस तरह की एक्टिविटीज कर माहौल को खराब कर रहे हैं, अपनी दोष जमाने के लिए बेगुनाहों पर यानी कि खून बहा रहे या ड्रग के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को अंधकार में धकेल रहे हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। इसी सारी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ेंगे अभी हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे पूरी बात क्या है। फिलहाल जो हम तक बात आई, पर हम संवाददाता सिद्धार्थ जी से बात करेंगे कि आखिर पूरी बात क्या, किस तरह से ऐसे लोगों पर जो कार्रवाई हुई है वो किस तरह से आने वाले समय में एक मिसाल कायम करेगी, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की यानी के अपनी नौकरी में ढील बरतने की कोताही ना करे। और लगातार आपने देखा कि अगर बात करें एसएसपी बेनाम तोष की, हेलो चलो इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हैं। सिद्धार्थ, जो ये कार्रवाई एसएसपी जो सांबा बेनाम तोष के द्वारा की गई अपने ही विभाग के कर्मचारियों पर, इस ये क्या दर्शाता और किस तरह से यानी के उन्होंने अपने काम से नाम अपना बनाया है, हर किसी की जुबान पर बेनाम तोष जो है एसएसपी उनका नाम है, क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? मैम, आपको बता दूं, बेनाम तोष जो है अक्सर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। अगर बात करें नशे के ऊपर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई जो है इस बार की है, जब से वो एसएसपी सांबा जो है वो नियुक्त हुए हैं, और उसके बाद से ही जो है वो जिस तरह से काम अपना कर रहे हैं, तो वो अक्सर जो है लोगों में चर्चा का विषय जो है वो बने हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और आपको बता दें कि दो पुलिस कर्मियों को जो है उन्होंने निलंबित कर दिया है, और कारण पीछे का ये रह रहा है कि ये जो दो पुलिस कर्मी थे, ये बहुत लंबे समय से जो है ये छुट्टी पर थे, और इनको जो बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने बेनाम तोष एसएसपी जी को जो है वो हल्के में लिया। उसके बाद जो है एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों पुलिस कर्मियों को जो है वो निलंबित कर दिया है। ये सिद्धार्थ जानना चाहेंगे, जो एक सिलेक्शन ग्रेड जो कांस्टेबल है, ये बताया जा रहा है कि हटली मोड़ पर जो एक यानी के जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पर भी ये मुलव्वस से कहीं ना कहीं मारपीट का, असॉल्टिंग का जो केस भी था, तो इनके ऊपर और भी केसेस हैं कई सारी धाराओं के तहत। जी मैम, आपको बता दें कि दो पुलिस कर्मियों को जो निलंबित किया गया है, उसमें से एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है जिनका नाम जो है वो जोगिंदर कुमार है। आपको बता दूं कि ये जोगिंदर कुमार वही जोगिंदर कुमार है जिन्होंने हटली मोड़ में एक ढाबे पर जो है एक ढाबे वाले को एक नशे में धुत होकर जो है उसको मारा था, और इन पर जो है आर्म्स एक्ट का केस भी उस समय जो है वो लगाया गया था, और उसके साथ इतनी बेरहमी से जो है वो मारपीट की गई थी। उसके बाद से जो है ये तब ये छुट्टी पर थे, और पुलिस होने का जो है ये नाजायज फायदा उठा रहे थे, इसको देखते हुए एक मुख्य कारण जो है ये भी रहा है इनको जो है निलंबित करने में।
बिल्कुल सिद्धार्थ, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर पुलिस अधिकारी अपने ही कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करते, कई बार आपने भी देखा और हमने भी देखा है, और जिसकी वजह से जनता का काफी जो है उनका जो मनोबल टूटता। पर इस बार जो कार्रवाई की गई है एसएसपी बेनाम तोष द्वारा, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एसएसपी बेनाम तोष के लिए हर कोई व्यक्ति, चाहे वो आम इंसान हो चाहे उनका विभाग का जो भी गलत कार्य करेगा, उन पर कार्रवाई होना लाजमी है। जी सिद्धार्थ। जी मैम, आपको बता दें कि अक्सर लोगों में यही चर्चा का विषय बना रहता है कि ये पुलिस कर्मचारियां और पुलिस विभाग जो है कभी भी अपने कर्मचारी पर इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, इस तरह से नहीं दर्शाएगा, क्योंकि पुलिस की छवि जो है इससे खराब होती है। लेकिन बेनाम तोष ने ऐसी कार्रवाई करते हुए एक पुलिस का जो भरोसा है जनता के बीच वो बनाए रखा है, और इतनी बड़ी जो है उन्होंने कार्रवाई की है कि अब जो है एसएसपी बेनाम तोष, जिन्होंने पुलिस का एक बार फिर भरोसा जो है वो जनता में जगाया है कि जो अगर पुलिस चाहे कोई भी अधिकारी क्राइम करता है, चाहे वो पुलिस का हो या सिविलियन हो, तो उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि वो क्या पुलिस का अधिकारी है या सिविलियन है या किसी और चीज से जो है वो ताल्लुकात रखता है। आपको बता दें जो जोगिंदर कुमार हैं, उनको आर्टिकल 128 जे एंड के सीएसआर के तहत जो है उनको निलंबित किया गया, और जो जिन्होंने अगर बात करें आर्म सेक्टर और असॉल्ट केस की, तो एफआईआर नंबर 340 2023 और अंडर सेक्शन 307 323 452 504 और 506 आईपीसी के तहत जो है आर्म सेक्ट के तहत जो है इनको जो है वो निलंबित कर दिया गया, और इन पर जो है मुकदमा भी एक दायर कर दिया गया है। बिल्कुल सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो लगातार सांबा के विजयपुर इलाके से या एक दो जगह और वारदातें सामने आई, जहां पर एक अखबार बेचने वालों को बुरी तरह से काट कर फेंक दिया गया, एक उससे पहले भी एक यानी के हत्या करके उन हथियारों ने किस तरह से उस व्यक्ति का जो कि उसकी बाजू काट कर ले गए, और यानी कि उसका जो गन थी वो भी उठा कर ले गए, किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस चीज को बताया कि हमें किसी का डर नहीं है। तो लगातार आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ललकारा था कि शायद एसएसपी बेनाम तोष को हल्के में लिया था, जिस तरह से आपने कहा कि शायद अपना यानी कि धौंस जमाने के लिए, अपना वर्चस्व बताने के लिए कि हमारा अस्तित्व हम वापिस आ गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि वो पीएसए के तहत अंदर थे और जब बाहर आए, इस तरह की हरकतें पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एसएसपी बेनाम तोष यानी ये कहेंगे कि पुलिस को चुनौती दी थी। जी मैम, आपको बता दें जितने भी ये क्राइम जो क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम करते हैं, इनको एक खुली चुनौती ये जो है पुलिस को पहले देते थे, क्योंकि इन पर जो है कोई भी कार्रवाई इस तरह से नहीं की जाती थी। इनको रात को पकड़ लिया जाता था और सुबह होते ही जो है इनको छोड़ दिया जाता था। इसी का ये फायदा उठाते थे कि अगर हम कोई बड़ा क्राइम करते हैं तो हमें जो है केवल रात को अंदर करेंगे और दिन होते ही ये जो हमें बाहर निकाल देंगे। तो इसको जो हल्के में जो है ये क्राइम्स को लिया जाता था, और अक्सर जो है इस तरह से बड़े बड़े क्राइम्स जो है वो किए जाते थे। अब एसएसपी बेनाम तोष एक एसएसपी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल पुरानी जो फाइलें बंद हो चुकी थी उन फाइलों को भी खंगाला है और उन लोगों को न्याय दिलाया है जो ऐसा सोच बैठे थे कि अब हमें जो है न्याय कहीं से नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि पहले एसएसपी बेनाम तोष से पहले को और अब के कार्य प्रणाली में कितना अंतर आया, और किस तरह से जो ये कहेंगे क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी सिद्धार्थ। मैं आपको बता दें अगर पहले के कार्यकाल की बात करें, जितने भी पूर्व एसएसपी यहाँ पर रहे हैं उनका भी कार्यकाल जो है वो अच्छा रहा है, लेकिन उस तरह से कार्रवाई नहीं की गई है कि जिस तरह से की जानी चाहिए थी। आपको बता रहे हैं शरेआम जो है वो क्रिमिनल्स घूमते थे, उन पर जो शिकंजा नहीं कसा जाता था, इस बात का इंतजार किया जाता था कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत हो। लेकिन एसएसपी बेनाम तोष एक पहले ऐसे एसएसपी जिला सांबा के बने हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो कार्रवाई की है, और जो पुरानी फाइलें भी है उनको भी खंगाल कर जो है वो भी जो केस जो है वो सॉल्व कर दिए हैं, और इस तरह की पहली कार्य प्रणाली जो है देखने को मिली है जिला सांबा की, जो पूरे जम्मू कश्मीर में एक पहले एसएसपी होंगे सांबा बेनाम तोष, जिन्होंने इतने अच्छे कार्य जो वो अपने कार्य के लिए जाने जा रहे हैं, और जो बच्चे बच्चों में और जितने भी आम जनमानस है उनके मुंह पर एक ही नाम है बेनाम तोष एसएसपी। और अगर बात करें कि कार्य प्रणाली की, तो नशे की बात करें, नशे पर एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने एक बार चलाया है। बिल्कुल। और बात करेंगे क्रिमिनल्स की, तो क्रिमिनल्स को तो जो है ये जो है ये पकड़ पकड़ कर जो है इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और जो भी इन पर केस बनते हैं इन पर केस डालकर इन पर जो है मुकदमा किया जा रहा है। सिद्धार्थ, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से एसएसपी बेनाम तोष कार्य कर रहे हैं, बाकी जितने भी अधिकारी उन्हें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। वो सबके लिए तो नहीं कहेंगे, पर जो लोग अपनी कुर्सी पर बैठकर जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, अपनी वर्दी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। जी
मैम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो जिला सांबा से ही सामने आया था कि जो ये जो दो एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और जो एसपीओ थे, ये जो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल था ये पिछले 10 महीने से जो है वो एब्सेंट थे अपनी ड्यूटी से, और जो एसपीओ थे वो पिछले 7 महीनों से एब्सेंट थे। इन्होंने सोचा जो पहले एसएसपी हैं हम उन्हीं को, उन्हीं की तरह ये भी वही एसएसपी होंगे बिना दोष भी, उनको हम कुछ भी अपना जो है वो बता देंगे, जी अपनी जस्टिफिकेशन दे देंगे और हमें जो है वो छोड़ दिया जाएगा। और इन्होंने इस हमारे जो अभी के पूर्व एसएसपी जो रह चुके हैं पहले उनको भी ये इसी तरह से करते थे, अब बिनाम तोष एसएसपी सांबा जो जब आए हैं इन्होंने सोचा उनको भी हल्के में लेंगे, और परंतु जब उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किए तो उनके बाद भी इन्होंने जो है उसका कोई ड्यूटी रिज्यूम के लायक जस्टिफिकेशन नहीं दिया। बिल्कुल चलिए सिद्धार्थ, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी एक बड़े ही अच्छे युवा जो हमारे पत्रकार हैं, जो पल पल की खबरें रात नहीं देखते दिन नहीं देखते, आप जाकर वो खबरें जनता तक पहुंचाते हैं। हम यही कहेंगे इसी तरह से दैनिक शिव टाइम का परिवार का एक हिस्सा बने रही और इसी तरह की खबरें आप बिना डरे हुए हर खबर को जनता तक पहुँचाते रहिए। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, शुक्रिया मैम जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ शर्मा, जिन्होंने पूरी बात आपके समक्ष रखी कि जब से एसएसपी बेनाम तोष ने कार्यभार संभाला एज एसएसपी सांबा तो ताबड़तोड़ हल्ला बोला है उन्होंने वाइन स्मगलर्स पर, ड्रग पेडलर्स पर और साथ ही साथ जो भी अन्य क्रिमिनल्स पर है। ऐसा ऐसे ये जरूर कहेंगे जो भी जनता इस समय देख रही है, कई बार जनता को शिकायतें रहती है कि अपने विभाग के ही कर्मचारियों पर जो अधिकारी है पुलिस के वो कहीं ना कहीं शिकंजा नहीं कसते या उन पर कार्रवाई नहीं करते, पर एसएसपी बेनाम तोष ने आज इस चीज को क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि मेरे लिए चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो मेरा ही कर्मचारी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, जो भी कोई या कोई क्रिमिनल हो, जो भी गलत गतिविधियां करेगा, अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये साफ तौर पर उनकी ईमानदारी है, उनकी डेडिकेशन है उनके काम को लेकर, और ये नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। क्योंकि हम भले ही यहाँ पर हैं पर हमें पल पल की खबरें वहाँ पर मिलती, जब से एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने कार्यभार संभाला है और आपने देखा पिछले दिनों भले ही वो काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं लगातार ये उन पर भी शिकंजा कसे हुए हैं। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे ऐसे जो अधिकारी उन्हें ये ज़रूर कहेंगे वेल्डन एसएसपी बेनाम तोष सर, आपसे कई लोगों को सीखने को मिलेगा, कई अधिकारियों को सीखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं वो शायद डरते हैं पर सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ एक ही बात करें जो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं किसी ब्यूरोक्रेट्स के, किसी रसूखदार के, पर ऐसे ऑफिसर अगर होंगे तो लगता है क्राइम रेट को हम खत्म तो नहीं चले कई हद तक हम कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आरोपियों को ऐसे क्रिमिनल्स के छक्के छुड़ा सकते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अशोक जी ने एक मैसेज दिया, रिंग रोड में गुंडागर्दी कब खत्म होगी। अशोक जी आप हमें मैसेज करिए, आप अपना नंबर छोड़ दिए इनबॉक्स में, हम आपकी परेशानी को जरूर सुनेंगे और आगे लाने का प्रयास भी करेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।